हर साल गणपति विसर्जन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है शिवनाथ नदी के पुल पे, और इस बार तो शिवनाथ नदी का पुल पुलगांव वाला बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा हादसों की वजह से। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, और आज गणपति विसर्जन देखने आए हैं। आज है 10 सितंबर, जो कि मेन दिन है गणपति विसर्जन का, और बहुत सारे गणपति आ चुके हैं। सुबह से ही लगा हुआ है तांता यहाँ पे, कल परसों से भी लगा है। तो अभी चलो आपको अब पूरा विसर्जन आराम से अभी 2-3 घंटे दिखाऊंगा। और फिलहाल मेरे साथ आया हुआ है साकेत, आज खाली है तो मैं बोला चल आते हैं। चलो अब आपको पूरे गणपति दिखाता हूँ। हाँ अभी तो खाली है फिलहाल, 1-2 घंटे और होने दो फिर यहाँ पूरा भीड़ लग जाएगा, पूरा ये रोड जाम हो जाएगा 1-2 घंटे बाद। और सामने एक और गणपति है, पास जाके दिखाता हूँ आपको। अभी आगे चलते हैं वहाँ से विसर्जन लेके, और बोटिंग अगर आपको करना हो तो शिवनाथ नदी में आकर यहाँ पे पुलगांव वाले पुलिया में आप कर सकते हैं। भाई लोग आए हैं विसर्जन के लिए कैंप 1 से, उनकी गणपति वहाँ पे जो थी मैंने दिखाया आप वो वाली है। और अभी तो फिलहाल खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, 1-2 घंटे बाद शाम जैसे जैसे होगी, अभी तो 4 बजे हैं, 5 से 6 बजे 7 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और सुरक्षा के लिए देखिए वहाँ पे ग्रीन जाली लगाई गई है, और मछुआरों का भी जो जाली रहता है वो लगाया जाता है ताकि उससे आगे ना जाए, यहीं तक में विसर्जन करना रहता है। और अभी बहाव कम है, रुका हुआ है पानी शिवनाथ का, इधर भी देखते हैं पूरा पानी थमा है, ऊपर भी भीड़ हो जाएगी अभी ब्रिज में देखने के लिए बहुत लोगों की। फिलहाल अभी खाली है, तब तक थोड़ा इधर उधर घूमते हैं भटकते हैं। और इस बार भी हमारा के साइड भी विसर्जन हो रहा है छोटे छोटे गणपतियों का, जो इस बार से ला रहे हैं देखिए। और अभी उधर तो भीड़ लगना शुरू हो रहा है, अभी बड़ी बड़ी गणपति कम आए हैं, 5-6 जैसे बजेगा बहुत सारी गणपति इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ पे हर साल की तरह। छोटे वाले गणपति को ले जा रहे हैं देखिए, वो बुजुर्ग ट्यूब में, उनके साथ छोटे से गणपति विसर्जित होने जा रहे हैं। फिर तो पप्पा विसर्जित हो गए, अभी वो जो बड़ी गणपति सामने थी वो ट्रक में देखिए उसको क्रेन से उठा कर डाला जा रहा है। चलो मैं आपको अब करीब ही जाकर दिखाता हूँ, ये बहुत दूर से मैं शूट कर रहा हूँ। वो तब तक नीचे वो ड्रम वाले नाव में डाल दिया जाएगा उसको। तो देखो गणेश जी को क्रेन से उतारा गया और उसमें रखा गया, वहाँ विसर्जित कर दिया जाएगा। अभी आपको और करीब से दिखाता हूँ, और छोटी छोटी बहुत सारी गणपतियाँ विसर्जित हो रही है। देखिए प्रतिमा विसर्जित की जा रही है, सब
अब बारी है कैंप वन वाले, कैंप वन भिलाई वाले गणपति की, जो सेकंड नंबर में लगा था विसर्जन होने के लिए। अब उनको भी लाया जाएगा, यहाँ ट्रेन से उतारा जाएगा। धीरे धीरे ऊपर में भीड़ बढ़ती जा रही है दर्शकगणों की, विसर्जन देखने जो आते हैं, और इधर उधर जाने वाले सब अपना गाड़ी रोककर 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे देखते हैं विसर्जन। और अभी क्रेन से उतारने के लिए चैन बांधा जा रहा है। और बारिश भी शुरू होने वाली है क्योंकि बड़े बड़े बूंदाबांदी हो रही है, जैसा कि मेरे हाथ पैर में पड़ रहे हैं पानी का बूंद, तो मुझे समझ आ रहा है। देखिए भगवान को धक्का देकर नीचे विसर्जन के लिए गिराया जा रहा है। तो देखो कैसे चेन से बांधा जा रहा है पूरा सपोर्ट के लिए, और पट्टा में बंधकर, उसके पट्टे में बांधकर ऊपर को उतारा जाता है। और ऊपर भीड़ लगती जा रही है, धीरे धीरे बहुत खचाखच भीड़ हो जाएगी। भगवान को यहाँ से उतार कर इधर खींचा जाएगा और नीचे उतारा जाएगा। साथ में एक और छोटे गणपति को बैठाया गया, डोर को खींच कर वहाँ तक लाया जाएगा और गणपति जी भी वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद Hey,
अभी तक तो मैं आया हूँ तब से 3 से 4 बड़ी गणपति और छोटे छोटे बहुत सारे गणपति का विसर्जन हो चुका है। अभी और गणपति आ रहे हैं मेरे पीछे, अभी तक नहीं आए थे, अभी एक और नेट रखा है और अभी अब आते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, टाइम होते जा रहा है, शाम होती जा रही है, 5 बजने को है, तो अब बहुत सारे गणपति आते जाएंगे, ऊपर आपको दर्शक गण देखने मिलेंगे, तो थोड़ा सा उधर टहल के आएंगे, फिर और गणपति विसर्जन देखेंगे। आपको एक छोटा सा चूहा दिखाता हूँ, बेचारा बच नहीं पाएगा, आपको शायद दिख रहा होगा तो देख सकते हैं आप, वो जो गणपति विसर्जन हुई ना उसमें शायद छुपा रहा होगा, फिर वो निकल गया डूबने से, फिर वो कितना ही देर अपना पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, थक जाएगा, फिर छोड़ देगा और वो डूब जाएगा। छोटा सा ही है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, पानी के बहाव में उधर अगर वह जाता तो बच जाता, लेकिन ये उल्टा ही बह रहा है, बहने की कोशिश कर रहा है। देखिए वो वाले गणपति जो वहीं से उतार दी गई, उनको क्रेन की जरूरत नहीं पड़ी, खुद उतार के ले आए और उसमें चढ़ाया जाएगा, फिर उनको भी विसर्जित यहाँ पर आके किया जाएगा। 1-2 साल में कितने सारे क्रिएटर पैदा हो गए दुर्ग में, देखा सीखी में, भाई अब मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर उठा के आ जाओगे तो नहीं बोल सकता। देखो मेरा चैनल ग्रो उतना जल्दी नहीं हुआ क्योंकि मैंने ही स्टेबिलिटी नहीं रखी थी, मैं कभी कभी वीडियो डालता था, फिर धीरे धीरे बीच में तो 6 महीने मैंने वीडियो छोड़ दी थी डालना, इसलिए ग्रो होना बंद हो गया था बीच में। अब फिर थोड़ा सा उठा है, नवरात्रि वगैरह आता है तो होता है, अब अगर इसमें कंटिन्यू करता रहूँ ना तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, लेकिन मैं अपने आपको टाइम नहीं दे पाता, यूट्यूब मेरा प्रोफेशन नहीं बोल सकते, पैशन बोल सकते हैं, शौक के लिए करता हूँ मैं, तो अभी प्रोफेशन नहीं बना, तो इसीलिए मेरा ग्रो होता नहीं है कई बार जल्दी। तो यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ना क्रिएटर नए नए, तो उनसे ज़्यादा पुराना हूँ मैं, मतलब मेरे को तो स्टार्ट किए 3 साल हो चुके हैं और अब तक बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर लेता अगर मैं कंटिन्यू रहता यूट्यूब पर, तो क्या बहुत सारे काम रहते हैं तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता। तो चलो अभी तो इनको आरती किया जाएगा, फिर उसके बाद इनका भी विसर्जन होगा। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते करते हमारे राहुल भाई मिल गए, ब्लॉग्स राहुल वाले, पहली बार मुलाकात हुई, मैं 3 साल से यूट्यूब में है, बस इनको मैं कमेंट करता था, इनका रिकमेंट आता था और बहुत सारी बातें होती थी। इनफैक्ट नरहरा वाला वीडियो मेरा ही देखकर शायद आप गए थे, नरहरा में पहली बार हाँ सजेस्ट किया था, पहली बार आप गए थे तो भटक गए थे, हाँ वहाँ पे एक स्थानीय लड़का था, हाँ उसके मैं पूछा तो बोला कि मेरा गांव अंदर ही नहीं करके, तो लेकिन क्या वो मेरे को गाइड किया, मैं जाके फिर पहुँच पाया और मुझे लगा नहीं अच्छे से फिर से एक बार बनाया फिर मैं। नहीं मैं ना गया था, मैं सुना था, मेरे फ्रेंड लोग बताए थे, फिर हम लोग ना ढूंढते ढूंढते गए और वहाँ ऐसा होता है ना भाई कि वहाँ ना लोकल लोग ही जानते हैं, पूरा धमतरी वाले ना लोकल ही जानते हैं, कम से कम तो 20 किलोमीटर अंदर ही है, अंदर है और मैं 6 किलोमीटर पहले खत्म हो जाता हूँ, तो ऐसा ही है, उसको लोकल ही जानते हैं। वैसे ही अपना मलाजकुडम पहले कोई जानता नहीं था, रानी दारा कोई जानता नहीं था, लेकिन नरहरा अब भी नहीं जानते। देखो दुर्ग भिलाई से एक मैं क्रिएटर जो मेरा पहला वीडियो गया दुर्ग से, फिर आपका गया, उसके बाद 1-2 लोग और डाले हैं लेकिन उसको जानता ही नहीं नरहरा, लेकिन बहुत अच्छे जगह है। एक बार अगर तो ऐसा लग रहा था आज, मुझे अंदर से ही फील आ रही थी कि आज शायद ब्लॉग्स राहुल वाले हमारे राहुल भाई मिलेंगे हमसे, और अभी मुलाकात हुई, मतलब 3 साल में ना पहली बार मुलाकात हुई। कई बार ऐसा हुआ कि वो जाके निकल जाते थे तब मैं जाता था, और मैं पहले निकल जाता था तब वो जाते थे, ऐसा कुछ होता था, लेकिन आज मुलाकात हो गई फाइनली, तो अभी विसर्जन और देखते हैं आगे। नेहरू नगर का राजा फाइनली विसर्जित होने के लिए आ चुका है, ओ भाग्य हमारे जो नेहरू नगर के पापा यहाँ पधारे हमारे रहते में, और इनका पंडाल पहले से भी बहुत भव्य होता था, और इस साल पंडाल देखने मैं नहीं जा पाया था इनका, तो दर्शन हो गए, बापा खुद आ गए दर्शन देने, बोलो गणपति बापा जय। तो आप देख सकते हैं, और
और ये मूर्ति सनौत से आई है इतना तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये मूर्ति मैंने बालम चक्रधारी जी के यहाँ देखा था या मिलन चक्रधारी जी के यहाँ, मैं डाउट में हूँ, बट मैं देखा तो वहीं था। चलो करो। और अब मूर्ति को उठाने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उठाने की तैयारी हो रही है, ट्रेन आ चुकी है, छोटी छोटी मूर्तियाँ हटाई जा रही हैं, फिर ये बड़े गणपति को हटाया जाएगा। अब जाके मुझे याद आया ये मूर्ति मेघुराम चक्रधारी जी के यहाँ की थी सनौद में। मेरे माइंड में एकदम घूम ही रहा था, वो चूहा को देखा ना मूषक राज को, तब याद आया ये मूर्ति मेघुराम चक्रधारी जी के यहाँ की थी। आई थिंक 100% मैं श्योर लग रहा हूँ। अभी देखो उठाया जा रहा है ट्रेन से। देखिए गणपति को उठाया गया है क्रेन से। अब उधर जो ड्रम और पाट्टे का बनाया गया है विसर्जन के लिए उसमें रखा जाएगा। और मूषक राज अलग से विसर्जित होने जा रहे हैं, पहले उनको खिलाया पिलाया जाएगा। चलेंगे चलेंगे नीचे देने के लिए। और गणपति विसर्जन के लिए आती हुई आपको दिखाता हूँ मैं। अभी तो मैं बोला था कि जैसे 5-6 बजेंगे और यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाएगी विसर्जन के लिए, एक के बाद एक गणपति लाइन से लगी रहेंगी विसर्जन के लिए, और वैसा ही हो रहा है कि हर सब का ऐसा ही है। मूषक राज जी को पानी में ढकेल दिया गया है और वो जो छोटी सी मूषक बह रहे थे बेचारे अब डूब गए होंगे। अब भगवान को भी विसर्जन के लिए पानी में डाला जा रहा है, उनको भी पानी में बहाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो ऊपर नीचे वाले पुल से तो बहुत देख लिए, अब आपको मैं किनारे से जो छत्तीसगढ़ी में जिसे हम पचरी बोलते हैं वहां से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ विसर्जन का नदी के किनारे से। जल्दी आ।
देखिए पूरे रस्सों का ही खेल है, इससे मोटे मोटे और बहुत सारे रस्से रखते हैं, उधर खींचना हो तो उधर से वो रस्से को इधर खींचते जाना पड़ता है, और इधर से निकालना हो तो रस्से धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। सारे रस्सों का ही खेल रहता है यहाँ पे, क्योंकि भाई पानी इतना गहरा है, ऊपर से ये वजन है, तो ऐसे तो धक्का देके नहीं बनेगा, तो रस्सों के सहारे ही पूरा यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा विसर्जन के बाद की कहानी दिखाता हूँ, मतलब पीछे का सीन दिखाता हूँ। जो विसर्जन करने के बाद तो चले जाते हैं लोग, जो उसके बाद जो पाटा बह के आता है, जो लकड़ी का हिस्सा रहता है, ये मछुआरे इनको उठाते हैं और ज़्यादातर कुम्हारों के पास बेचते हैं, क्योंकि वो इनका अच्छा रेट देते हैं, आराम से ये पाटा आराम से 1000-2000 में खरीद लेते हैं कोई कुम्हार, क्योंकि उनको इसी के ऊपर बेस बनाकर फिर से मूर्ति तैयार की जाती है। अगर नहीं खरीदते हैं तो अपने घरों में यूज़ के लिए ले जाते हैं लकड़ियाँ। और बहुत सारे देखिए फूल वगैरह जो है, और जो ख़त्म होने वाले जो थैले हैं कपड़े वाले, वो तो इसमें घुल कर विसर्जित हो जाते हैं या बह जाते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन है ना, वो बर्बाद कर देती है नदियों को, मिट्टी को, यही बेकार हो जाता है, तो फिर से नदी के किनारे छोड़े हैं, फिर पानी का बहाव आता है, फिर इनको बहा के ले जाता है। देखिए आपको एकदम साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो बाढ़ से बह कर आया है ये पॉलीथीन आप देख सकते हैं पूरे झाड़ी में लटक गया है। तो भाई ये सब तो चलो बह जाता है, ठीक है, कागज़ की चीज़ें और फूल वाली जो चीज़ें हैं, लेकिन जो पॉलीथीन वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहो, और उनको नदी के आसपास ना छोड़ो, पानी के आसपास ना छोड़ो, बहुत टाइम से हम लोग कहते आ रहे हैं। तो फिलहाल छोटे वाले गणपति और उधर एक और बड़े गणपति को भेजाया जा रहा है विसर्जन के लिए, तो भैया लोग उठाने आ गए हैं जो शासन से हैं, नगर निगम से हैं, कचरा अलग किया जाता है, और वही लोग उठाकर उधर डालेंगे। और शायद वीडियो बनाते देखकर डर गए थे, वो बोल रहे थे फ़ोटो खींच रहे हो क्या भैया, हम लोग उठा रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैं बोला नहीं, यूट्यूब से हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे करके मैं भी बोला। तो फिलहाल तो विसर्जन के लिए वो गणपति वहाँ पहुँच गए हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जब यहाँ पे हादसा हुई थी कार वाली, वहाँ से कार गिरी थी पुल से नीचे, तो जो चश्मदीद गवाह थे पहले, सबसे पहले जिन्होंने बताया था कि वहाँ कार गिरी, कोई उनका विश्वास नहीं कर रहे थे। 3 दिन तक कार को ढूंढा गया, तब जब कार मिला ना तब उन पर लोग विश्वास किए, बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे करके। तो ये हमारे श्याम सुंदर भैया जो चश्मदीद गवाह थे, उनको मैंने अभी पूछा कि आपके रजिस्ट्रेशन की बात आगे बढ़ी कि नहीं आपके संघ की, मछुआरे संघ की, तो बोले कि वो तो चलता रहता है, एप्लीकेशन देते हैं लेकिन शासन सुध नहीं लेती। अरे भाई मेन तो यही लोग हैं जो नीचे धरातल पर काम करते हैं, रिस्क लेकर 100% या 200% रिस्क लेते हैं लोग, फिर भी इनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो भैया से हालचाल पूछा उनको कि क्या हुआ करके, अब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, चलता रहता है उनका ऐसे करके। और भगवान का प्रसाद बन रहा है, मतलब बट रहा है, और मैंने भी लिया, थोड़ा भूख भी लग रहा है, बहुत देर से यहाँ खड़े, तो सबको प्रसाद बांटा जा रहा है। देखिए मुर्रा है, बूंदी है, अच्छा लगा खाकर, ताजी बूंदी है।
हमेशा की तरह ठाकुर ठेले में काफ़ी भीड़, ठाकुर होटल में हमेशा की तरह, और विसर्जन के लिए बहुत सारी गणपति आ रही है। अब हम जाएंगे ऊपर से कुछ नज़ारा और आपको दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं ऊपर वाले पुल में, शिवनाथ के पुल गाँव के, जो कि 28 करोड़ की लागत से बनाई गई थी और कुछ दिन पहले गड्ढे हो गए थे, थोड़े थोड़े धस गए थे, तो उस पर बात नहीं करेंगे। हम तो विसर्जन देखने आए हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से और आपको विसर्जन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, वीडियो ख़त्म करेंगे। वहाँ पे प्रॉपरली आप देखिए सफाई का काम हो रहा है, जो पॉलीथीन है उसको अलग ले जाया जा रहा है कचरों को, और जो फूल मालाएं और कागज़ है उनको अलग जा रहा है, अलग फेंकने के लिए अलग रखा जा रहा है। और बस यही मूर्ति देखकर हम विसर्जन का वीडियो ख़त्म करेंगे। तो शाम हो चुकी है, 6:15 बज चुके हैं, और वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि भगवान तो विसर्जन होते रहेंगे, विसर्जित होते रहेंगे। और काफ़ी समय से यहाँ हूँ, बहुत सारे विसर्जन आपको दिखा है गणपतियों को, और बड़ी मूर्तियों में कैंप 1 की मूर्ति रही, और एक दो मूर्ति रही, और नेहरू नगर के राजा रहे हमारे बड़ी मूर्तियों में। तो चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं, और ऐसी जगहों में आप अपने रिश्ते से आया करिए, और हाथ पर इधर उधर ना मारे, क्योंकि रिस्की है, बहुत गहरा है पानी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अपना बात यहीं ख़त्म करता हूँ। चलो वीडियो का पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलो गणपति बप्पा मोरिया।